नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo Y15C वर्सेस Realme 9 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Y15C में 6.45 इंच जबकि Realme 9 5G में 6.4 इंच की लेंथ मिलती है जो कि Y15C से कम है। विड्थ की बात करें तो Y15C में 2.96 इंच जबकि Realme 9 5G में 2.94 इंच की विड्थ मिलती है जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो Y15C में 0.32 इंच जबकि Realme 9 5G में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है जो कि Y15C से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Y15C में 179 ग्राम जबकि Realme 9 5G में 188 ग्राम का वेट देखने को मिलता है जो कि Y15C से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Y15C में 6.51 इंचेस जबकि Realme 9 5G में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Y15C में 720x1600 और Realme 9 5G में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Y15C में 83.02% जबकि Realme 9 5G में 83.92% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Y15C में 270 पिक्सल प्रति इंच जबकि Realme 9 5G में 405 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Y15C में दो कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Realme 9 5G की बात करें तो इसमें तीन कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Y15C में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Realme 9 5G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Y15C में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि दो डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Realme 9 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Y15C में पावर GE8320 जबकि Realme 9 5G में Mali-G57MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Y15C में MediaTek Helio P35 और Realme 9 5G में MediaTek Dimensity 810 मिलता है। बात करें RAM की तो Y15C में 3GB की RAM मिलती है जबकि Realme 9 5G में दो वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 4GB 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो Y15C में 32GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Realme 9 5G में दो वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Y15C में Android V12 जबकि Realme 9 5G में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही दो कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Y15C में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है
जो कि 3 GB रैम 32 GB स्टोरेज के साथ 10,377 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Realme 9 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 17,499 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो Vivo Y15C में 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Realme 9 5G की तो उसमें 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Realme 9 5G आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में Realme 9 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 9 Pro 5G है, दूसरा Xiaomi Redmi 10A है, तीसरा Vivo Y21A है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Poco M4 Pro 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।